तो दोस्तों भारतीय बाजार में आ रहा है मारुति ऑल्टो का नया अवतार। तो मारुति ऑल्टो पिछले दो दशकों से घरेलू बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही थी। ये कंपनी की नहीं बल्कि देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सस्ती कारों में से शुमार होती है। मौजूदा समय में इस कार की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत केवल भारत में 2.20 लाख रुपीज एक्सशोरूम प्राइस थी और ये कार पेट्रोल इंजन के साथ CNG किट ऑप्शन के साथ भी भारत में उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी घरेलू बाजार में अपने व्हीकल लाइनअप को अपडेट करते हुए नई मारुति ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में लग चुकी है। जी हां, भारत में इस कार को हम सभी के लिए 21 फरवरी को फाइनली लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। पिछले दो दशकों से भारतीय बाजार में शानदार प्रदर्शन करने वाली इस छोटी कार के नए अवतार को कंपनी SUV तथा क्रॉसओवर स्टाइल ऑप्शन में मार्केट में लॉन्च करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में लॉन्च होने वाली भारत में मारुति ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भारत में टेस्टिंग के दौरान भी काफी बार लोग देख चुके हैं। देखने में इस कार को कंपनी ने क्रॉसओवर स्टाइल का लुक दिया है तथा भारत में इस कार को SUV लुक के साथ भी लाया जा सकता है। कहा अभी ये नहीं जा सकता कि भारत में ये कार SUV तथा क्रॉसओवर स्टाइल ऑप्शन के साथ आएगी। मौजूदा समय में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारतीय बाजार में SUV स्टाइल वाली कारों की खासी डिमांड देखने को मिल रही है, यानी मार्केट में लोग ज़्यादातर SUV कार लेने का अपना प्लान करते हैं तथा SUV कार दिखने में भी काफ़ी बोल्ड लगती है तथा उसके ऊंचे साइज से इस कार को काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्थिति और लोग पसंद करते हैं। भारत में आने वाली रेनॉल्ट्स की किंगर और तथा एस्प्रेसो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भी हाईटेक तरीके से डिज़ाइन करके SUV लुक में ढाला गया है, जो कि भारत में आते ही तहलका मचा देगी, जिन्हें ग्राहक अच्छे खासा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को भी भारत में SUV तथा क्रॉसओवर का लुक दिया जा रहा है तथा पुराने मॉडल की तुलना में इस कार को थोड़ा बड़ा स्पेस के साथ भारतीय बाजार में लाया जाएगा। तथा पावर की बात करें तो भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को दो इंजन विकल्प ऑप्शन के साथ लाने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में इस कार को 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ तथा 5-स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन के साथ लेस करके लाया जाएगा, जो कि भारत में आप सभी को 83 BSP की पावर के साथ ही साथ 115 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देने वाला है। वहीं इस कार के दूसरे इंजन वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि पहली बार ऑल्टो के सेगमेंट में इस कार के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 6-स्पीड IMT और 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ लाया जाएगा। पावर के मामले में ये इंजन आपको 120 BSP की पावर तथा 175 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके भारत में देने वाला है। यानी दोस्तों कुल मिला के ये कार अंदर से तो खूबसूरत लगने ही वाली है, साथ ही साथ बाहर से इस कार का लुक SUV तरह दिखने वाला है तथा इस कार के इंजन को भी अपडेट करके काफ़ी पावरफुल बना दिया गया है। कार को सबसे खास बात बनाने वाली है भारत में इस कार के अंदर खास फीचर्स। जी हाँ, भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अंदर आपको साधारण फीचर्स नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस कार को 2021 के तहत अपडेट करके भारत में लाया जा रहा है तथा नए इंजन तथा न्यू नॉर्म्स के तहत इस कार में आपको कुछ एडवांस फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि इस सेगमेंट की पहली बार इस कार के अंदर ही मौजूद करवाए गए हैं। इस कार में आपको 24 फ्रंट इन सेगमेंट की फीचर्स ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि खास फीचर्स के साथ अपडेट करके लाई जाएगी। इस कार में सबसे पहला खास फीचर इंफोटेनमेंट कनेक्टर सिस्टम, जो कि 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2.01 पे कनेक्ट होकर एंड्रॉयड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ नेविगेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ वॉइस कंट्रोल ओवर सिस्टम UVI से कनेक्ट रहेगा। UVI कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी से आप अपनी आवाज़ से इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे खास बात दूसरे नंबर की है कि इस कार की अब सीटों को लेदर फैब्रिक अपडेट्स के द्वारा नए फैब्रिक के द्वारा बनाया गया है और साथ ही साथ इस कार में आपको अपहोल्ड वेंटिलेशन फ्रंट सिस्टम, रियर प्यूरिफिकेशन और क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जिंग सुविधा, बॉस ऑडियो सिस्टम के साथ एम्बिएंट लाइटिंग तथा 3 एयरबैग्स की सुविधा तथा फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स के साथ ही साथ 360 डिग्री व्यू कैमरे की सुविधा भी अब ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के अंदर आप सभी के लिए मौजूद करवा दी गई है। यानी भारत में अब महंगी कारों को ये कार कड़ी टक्कर देने वाली है।
आने वाली मारुति सुजुकी की अपकमिंग न्यू कार नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को सब 4 मीटर सेगमेंट की एसयूवी से थोड़ा छोटे साइज में लॉन्च किया जाएगा। देखने में ये कार फुल्ली एसयूवी जैसा प्रभाव आप सभी को बैठने में देने वाली है। भारी लुक के मामले में इस कार में आपको फ्रंट में LED DRLs तथा डे टाइम रनिंग लाइट से लेकर काफ़ी अन्य फीचर्स को अपडेट करके इसके बोनट को न्यू रीडिज़ाइन करके अलॉय व्हील 16 इंच के डायमंड कट देके इसका लुक को काफ़ी अच्छा एग्रेसिव बनाया गया है तथा इस कार के अंदर आप सभी को एडवांस फीचर्स के साथ ही साथ आपको 360 डिग्री व्यू कैमरे की सुविधा भी मिलती है जो कि इस सेगमेंट में तथा इस प्राइस रेंज में भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस कार की बॉडी को 40% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा तैयार किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ग्लोबल रैंकिंग के तहत इस कार को टेस्टिंग मॉडल के दौरान 4 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है जो कि 4 की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मगर दोस्तों उम्मीद थी कि भारत में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को 5 की रेटिंग मिलनी चाहिए, मगर कोई बात नहीं, भारत में अगर कीमत की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को हम सभी के लिए फरवरी में 21 से लेकर 22 तारीख के बीच अंतर्गत कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों डिपेंड आप पे करता है कि आप इस कार को लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। कीमत की बात करें तो भारत में इस कार की कीमत स्टार्टिंग 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के अंतर्गत आने वाली है, जिसमें आप सभी के लिए नॉन टर्बोचार्ज वेरिएंट तथा पेट्रोल टर्बोचार्ज वेरिएंट शामिल किया गया है। डिपेंड वही आपके ऊपर है कि आप इसके कौन से वेरिएंट को अपने बजट या अपनी पॉकेट के हिसाब से बाय करते हैं। इस कार की प्री बुकिंग हम सभी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। सिंपली दोस्तों अगर इस कार को सबसे पहले आप पहले ग्राहक बनना चाहते हैं बुक करके तो कमेंट बॉक्स में जाइए हमारे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू इस कार को बुक करने के लिए अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए।